अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन। इसके अज्जा आप नोट कर लें। सबसे पहले आप शीरा बनाने के अज्जा नोट कर लें। पानी 1 कप, चीनी 2 कप, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून और 1/2 लेमन। अब गुलाब जामुन के डो के अज्जा नोट कर लें। सूखा दूध या मिल्क पाउडर 250 ग्राम, प्लेन फ्लावर या मैदा 80 ग्राम, सूजी 60 ग्राम, बटर या मक्खन 2 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, पिस्ता या पिस्ताचू गार्निश के लिए और दूध डो बनाने के लिए। प्लेट लेंगे, इसमें ये सूखा दूध या मिल्क पाउडर डालेंगे, फिर ये मैदा, सूजी, इसको मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा, बटर डालेंगे, इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मक्खन इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम नीम गरम दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हमने इसकी बिल्कुल सॉफ्ट डो बनानी है ताकि गुलाब जामुन भी सॉफ्ट बने। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से ज्यादा नहीं डाल देंगे, वो साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे कि दूध नीम गर्म होना चाहिए। हमने डो को अच्छी तरह से दबा दबा कर बनाना है।
डो को बहुत ही एहतियात और सॉफ्टली गूंदना है, नहीं तो आपके गुलाब जामुन फट जाएंगे और बाजार वाला टेस्ट नहीं आएगा। अब डो हमारी तकरीबन मिक्स हो चुकी है, अब हमने इसको 6-7 मिनट तक और मजीद गूंदना है। तैयार है, इसको मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए गूंदा है और इसमें मैंने 200 ml दूध इस्तेमाल किया है। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो गए हैं डो को, अब इसके हम मीडियम साइज के बोल बना लेंगे। ये देखिए, इसकी सरफेस बहुत स्मूथ होनी चाहिए। इस साइज में आप बॉल बनाकर रखते जाएं। मैंने बॉल बना लिए हैं, अब मैं इसको फ्राई करूंगी। सबसे पहले मैं शीरा बनाऊंगी। एक पैन में सबसे पहले पानी डालेंगे, साथ इसमें चीनी डाल देंगे। पानी में चीनी डिसॉल्व हो चुकी है, अब इसमें हम कार्डमम पाउडर डालेंगे। इसमें अब हम नींबू डालेंगे। शीरा तैयार हो चुका है। शीरा तैयार होने की पहचान ये है कि इसको हम थोड़ा सा लेकर हाथ पे उंगली की मदद से चेक करेंगे। अगर शीरा एक तार पे चिपक रहा है तो समझे इसकी आपका शीरा तैयार है। ये देखिए, ये हाथ के साथ मेरा चिपक रहा है एक तार पे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे। कुकिंग ऑयल नीम गर्म होना चाहिए। इसमें हम गुलाब जामुन डालेंगे। मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। गुलाब जामुन मैंने फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिए हैं, अब इसको मैं शीरे में डालूंगी। गुलाब जामुन को मैंने शीरे में डाल दिया है। हम गुलाब जामुन को शीरे में डालकर हम तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। गुलाब जामुन तैयार है, ये आपको बिल्कुल बाजार का टेस्ट देंगे। पसंद आया थम्स अप कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। मोर रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।